मॉर्निंग बच्चों, मैं नुसरत बानो, शासकीय पूर्व माध्यमिक बालक नकटा संकुल मंदिर हसौद विकासखंड आरंग से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 15 क्षेत्रमिति 3। बच्चों, इससे पहले हमने क्षेत्रमिति 1 तथा 2 के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम वृत्तों के बारे में तथा आयत के बारे में पढ़े हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना तथा आयत निकालना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेलनाकार वस्तुओं के बारे में। बच्चों, हम अपने आसपास कई ऐसी चीजें देखते हैं जिनका आकार बेलन के आकार का होता है, जैसे पाइप, रोलर, टॉर्च की बैटरी, ड्रम इत्यादि। इन समान आकृतियों को हम किन-किन आधारों पर पहचानेंगे? बच्चों, हम देखते हैं कि इन सभी आकृतियों में से प्रत्येक में 2 वृत्ताकार सतहें हैं तथा जो परस्पर समांतर एवं बराबर है। चित्र में देखिए, ऊपर और नीचे की तरफ देखिए वृत्ताकार सतहें हैं तथा जो बीच का हिस्सा है वो वक्राकार है तथा तीसरी सतह जो होती है वक्राकार होती है। ऐसी आकृतियों को हम बेलनाकार आकृतियां कहते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए चित्र में एक बेलन की आकृति को दिखाया गया है। बच्चों, इस चित्र में देखिए बेलन में 2 वृत्ताकार सिरे हैं जो परस्पर समांतर एवं सर्वांशम है, अर्थात दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं। हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सर्वांशम है। ये वृत्ताकार सिरे बेलन का शीर्ष एवं आधार कहलाते हैं, अर्थात ऊपर वाला हिस्सा हम शीर्ष कहेंगे तथा नीचे वाले हिस्से को हम आधार कहेंगे। बेलन का शेष पृष्ठी भाग अर्थात दोनों वृत्ताकार सिरों को मिलाने वाला बेलनाकार पृष्ठ बेलनाकार का वक्र भाग या वक्र पृष्ठ कहलाता है। बेलन के आधार या शीर्ष की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होती है, जिसे हम अक्षर R से दर्शाते हैं। बच्चों, हमें पता है हम त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, उसका पहला अक्षर R है, इसलिए हम त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। सर, आगे की स्लाइड नहीं, बेलन का ना ये। बच्चों, अब हम बात करते हैं बेलन के आयतन के बराबर के बारे में। आयतन, बच्चों, आयतन का अर्थ होता है कि कोई त्रिआयामी आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है। बच्चों, आज हम बात करेंगे बेलन के आयतन के बारे में। बच्चों, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग एच। बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। बेलन का आधार वृत्ताकार है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर का वर्ग एच, अर्थात बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यहाँ पर R बेलन की त्रिज्या होगी तथा H क्या होगी, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो गया बच्चों, पाई R का वर्ग H घन इकाई। बच्चों, हम बेलन के आयतन को तथा क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई या घन इकाई में दर्शाते हैं। बच्चों, आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। हल, बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर का वर्ग एच। सूत्र में हम मान रखेंगे, बच्चों पाई का मान क्या होता है पता है ना आपको, 22/7, जो कि एक स्थिरांक है, इसका मान कभी नहीं बदलता। 22/7 गुणित 12 का वर्ग गुणित 14। यहाँ पर 12 क्या है, बेलन की त्रिज्या है तथा 14 क्या है, बेलन की ऊंचाई है। बच्चों, इसे हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 6336 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, इसी तरह आप और भी सवालों को इस सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 मीटर है। इसे हम ब्लैक बोर्ड में कर कर देखेंगे। कहाँ गया सर वो? अच्छा, चलिए ऊंचाई कितनी बोली थी?
बेलन का आयतन बी, बी तो लिखा मैंने क्योंकि हम आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, उसका पहला अक्षर है बी, बराबर होता है पाई आर इंच का एच। क्या सर? इंच कर बी यहाँ पर पाई कितना होता है आपको पता है? सकते बाईस बटे सात, जो कि एक स्थिरांक है, इसका मान हमेशा 22/7 होता है। आर हमने लिया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी बेलन की? 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब इसको रखकर, सूत्र में मान रखकर हमें सवाल को हल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, आर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। सूत्र में हम मान रखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर का वर्ग एच। मान रखेंगे हम पाई बराबर 22/7, आर का मान है 5, 5 का वर्ग, ऊंचाई कितनी है हमारी? 14 सेंटीमीटर। अब इसे हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5 × 5 × 14, काटने पर 7 × 7, 7 × 14, 22 × 5 × 5 × 2। देखिए 22, 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 × 2, 22 × 25 × 50। अब इसे हम हल करते हैं, गुना करते हैं, क्या हो जाएगा? 5 × 10 का शून्य, हंसी लाया 1, फिर 5 × 10, 10 और 1 11, उत्तर कितना आया? 1100 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? बेलन का आयतन होगा। बच्चों इसी तरह आप और भी सवालों को सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं, सर आगे का पीपीटी से। हाँ बच्चों इसी तरह आप और भी सवालों को सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठ किसी भी बेलनाकार डिब्बे में कुल 3 पृष्ठ होते हैं, जिसमें से 2 पृष्ठ वृत्ताकार, ऊपर का शीर्ष कहलाता है आधार तथा नीचे का शीर्ष, तथा तीसरा पृष्ठ वक्राकार भाग है। आधार और शीर्ष दोनों भाग वृत्त पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्थात जो शीर्ष होगा किसी भी बेलनाकार डिब्बे का और आधार होगा उसका वक्र पृष्ठ बराबर होगा। यदि वृत्त पृष्ठों की त्रिज्या आर हो तो प्रत्येक वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर का वर्ग। अब तीसरे पृष्ठ का अर्थात वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए? वक्राकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें एक रेखाखंड PP' लंबाई के अनुदिश काटकर फैला देते हैं, जिससे हमें एक आयताकार पट्टी प्राप्त होती है। प्राप्त आयताकार पट्टी की लंबाई वक्राकार भाग की परिधि के बराबर एवं चौड़ाई वक्राकार भाग की ऊंचाई के बराबर होगी। साथ ही आयताकार पट्टी एवं वक्राकार भाग के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। चूंकि वक्राकार भाग की त्रिज्या
आर सेंटीमीटर हो है, इसलिए उसकी परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई आर। यदि वक्राकार भाग के डिब्बे की ऊंचाई एक सेंटीमीटर है तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पट्टी की लंबाई गुणित ऊंचाई। वक्राकार भाग की परिधि गुणित ऊंचाई, वक्राकार भाग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर गुणित एच, अर्थात बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। आइए इसे हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्री पृष्ठ या वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, आधार की त्रिज्या कितनी है r बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर। बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। सूत्र में हम मान रखेंगे 2 गुणित 22/7, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है आपको पता है। r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर तथा h ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। इसे हम हल करते हैं सूत्र में मान रखकर तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 660 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर सॉरी क्षेत्रफल की, बच्चों क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है, जैसे वर्ग मीटर तथा वर्ग सेंटीमीटर, तथा आयतन की इकाई घन इकाई होती है, जैसे घन सेंटीमीटर तथा घन इकाई घन मीटर। बच्चों आइए इसे हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल को बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल टू पाई आर एच। यदि r बराबर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा h बराबर आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल प्रश्नानुसार देखिए, आर कितना दिया गया है हमें 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है एच बराबर 21 सेंटीमीटर। हम सूत्र में मान रखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है 2 पाई आर एच। इस सूत्र में हम मान रखेंगे 2 गुणित पाई का मान कितना होता है 22/7, आर हमें कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब इसे हम हल करेंगे 7 एकम 7, 7 या 21, 2 गुणित 22 गुणित 4 गुणित 3 गुना करने पर हमें क्या मिलेगा 22 गुणित 44 गुणित 4 12। फिर गुना करिए 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 12 दूनी 24 12 चौके 48, 48 का 8 हासिल आया 4, फिर 12 चौके 48 से हम जोड़ेंगे हासिल को, कितना मिला हमें
528 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। बच्चों इसी तरह आप और भी सवालों को इस सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं। दस मिनट हुआ है क्या सर? 10 ही मिनट हुआ है, 40 मिनट कैसे किया जाएगा सर? ऐसे सवाल पढ़ो। बच्चों अब हम बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई h हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक में एच धन आर। आइए इसे हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। किसी ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम हल करते हैं। प्रश्न अनुसार देखिए, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर दी गई है 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 11 सेंटीमीटर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर गुणित कोष्टक में आर धन एच। यहाँ पर देखिए चित्र में दिया गया है r उसकी त्रिज्या है तथा h क्या है, बेलन की ऊंचाई है। इस सूत्र में हम मान रखेंगे 2 गुणित 22/7, आर हमें दी गई है 3 गुणित कोष्टक में 11 धन 3, 2 गुणित 22/7 गुणित 3 गुणित 14। इसे हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 264 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह आप और भी सवालों को इन सूत्रों में मान रखकर हल कर सकते हैं। आइए हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक उदाहरण के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में समझने का प्रयास करते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच। यहां पर आर त्रिज्या है तथा एच क्या है, इसकी ऊंचाई है। आइए हम एक उदाहरण से इसे हल करते हैं। मान लो बेलन की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हम सूत्र में मान रखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच। आर बराबर दिया गया है हमें 7 सेंटीमीटर तथा एच बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हम सूत्र में मान रखते हैं बेलन के
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr कोष्टक में r धन h। यहाँ पर r क्या है, बेलन की त्रिज्या है, तथा h क्या है, बेलन की ऊंचाई है। अब हम सूत्र में मान रखते हैं 2π का मान होता है 22/7, r का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कोष्टक में r बराबर है 7 तथा ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इसे हम हल करते हैं, 2 × 22/7 × 7, 7 और हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब देखिए बच्चों, यहां पर 7 और जो 7 है वो कट जाएगा, 7 × 7 और 7 × 7, 22 × 44, फिर 22 का गुना, तो हमें क्या मिलेगा, गुना करने पर, गुना करिए, आइए यहां पर हम गुना करते हैं इसको अलग से, पहले 44 × 22, 2 × 8, फिर 2 × 8, 2 × 8, फिर 2 × 8, हमें क्या मिलेगा, 8 8 16 का 6, हंसी लाया 1, 8 और 1 9, 968 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। इसे हम और भी उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, चलिए हम इसे एक और उदाहरण लेकर यहाँ पर बदल कर देख सकते हैं। हम आर की जगह ले लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई ले लेते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बच्चों, आपको सूत्र तो याद हो गया होगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्टक में r धन h। देखिए यहां पर हमने लिया है r बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई भी है हमने 10 सेंटीमीटर। हम सूत्र में मान रखेंगे, बेलन का सूत्र क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr × r^h। यहाँ पर देखिए r बराबर हमने कितना लिया है, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी ली हमने, 10 सेंटीमीटर। हम सूत्र में फिर से मान रखेंगे, सूत्र क्या है हमारा, 2πr × r^h, 2 × π का मान 22/7, आर दी गई है 5 सेंटीमीटर, गुणित आर धन एच, 5 × 10, यहां पर 10 क्या है, बेलन की ऊंचाई। अब इसे हम हल करते हैं, चलिए 2 × 22 × 5 × 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए यहां पर 22 × 44 × 5 × 15 भागित पूरे का 7, इसे हम हल करेंगे आगे, 44 × 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75 भागित 7। फिर से हम इसे अलग से गुना करेंगे, 44 × 75, 5 × 20 हासिल 2, 5 × 20 और 22 हो गया, फिर 7 × 28 का 8 हासिल आया 2, 7 × 28 और 2 30, 8 और 2 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और ये 3, क्या मिला हमें, 3300 भागित 7। अब इसे हम 7 से भाग देंगे, 3300 भागित 7,
सात का पहाड़ा आप इस तरह से पढ़िए कि 35 से ज्यादा ना हो या 35 के बराबर। सात चौके 28, कितने बार जाएगा? चार बार, 13 में 8 गया, इसे हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में 8 गया 5। फिर हमने 5 यहां पर उतार लिया, ठीक है, 37 49, यहाँ पे जगह कम हो रहा है, घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर हम शून्य उतारेंगे, 7 एकम 7, कितने बार जाएगा, एक बार। हम 10 में से 7 घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ पे हम दशमलव ले लेते हैं, फिर उतार लेते हैं शून्य, 7 चौक 28, बचा 2। इसी तरह से आप दशमलव के 3 स्थानों तक लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 471.4 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों आप कई सारे सवालों को इन सूत्रों में रखकर हल कर सकते हैं। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं बेलन के आयतन के लिए। बेलन का आयतन हम निकालते हैं फिर से एक बार। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर का वर्ग एच। ठीक है बच्चों, मान लो आपको आर बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा एच दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र में आपको मान रखकर इसको हल करना है। हमें मालूम है बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर का वर्ग एच होता है, यहाँ आर तथा एच दोनों दिया गया है, हम सूत्र में मान रखेंगे। बेलन का आयतन बराबर पाई आर का वर्ग एच, हमें आर बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 4 का वर्ग गुणित एच बराबर क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं, 22/7 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 14। यहां पे देखिए 22/7 पाई का मान है, 4 जो है त्रिज्या है तथा एच क्या है, 14 बराबर हमारी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए इसे हम हल करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 2, इसे हम गुना करेंगे, 22 चौके कितना हो जाएगा, 88 गुणित 4 दूनी 8, इसे हम फिर से गुना करते हैं, 64 का 4 हासिल आया 6, फिर 88 64, ये हो जाएगा हमारा 70। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 704 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप कई सारे सवालों को इन सूत्रों को हल कर, सूत्रों में मान रखकर आप हल कर सकते हैं। हमारे तीन सूत्र हैं मेन जो हैं, बेलन का आयतन पाई आर का वर्ग एच तथा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR गुणित कोष्टक में आर धन एच। आइए हम एक और सवाल हल करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालकर। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ, जब आपको बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दी गई है। आपको पता है बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRH, 2πRH
मान लो बेलन की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र में मान रखकर हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। हल, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर टू पाई आर एच। यहां पर देखिए आर बराबर क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई एच बराबर दी गई है 14 सेंटीमीटर। इस सूत्र में हम इसका मान रखेंगे त्रिज्या तथा बेलन की ऊंचाई का। सूत्र क्या है हमारा, 2 पाई आर एच, 2 × 22/7 गुणित आर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसे हम हल करते हैं, 7 × 7, 7 × 14, 2 × 22 × 5 × 2 गुना करते हैं, 22 × 44 × 5 × 10 तो हमें क्या मिलेगा, 10 × 40 का शून्य हासिल आया 4, 10 × 40 और ये 4 कितना हो जाएगा 44, 440 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर, तथा आयतन की इकाई हमेशा घन इकाई होती है, जैसे घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर। हम कभी भी बेलन का आयतन तथा क्षेत्रफल को घन वर्ग में दर्शाते हैं। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया गया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें बेलन की त्रिज्या क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर। हम बेलन के वक्र पृष्ठ के सूत्र में मान रखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। आइए हम सूत्र में मान रखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच, आर बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई हमें 21 सेंटीमीटर। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर एच, जहां पर आर त्रिज्या है तथा एच क्या है बेलन की ऊंचाई है। आइए हम सूत्र में मान रखें, 2 × π का मान होता है 22/7 तथा त्रिज्या हमें क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। अब इसे हम हल करेंगे, यहां देखिए 7 × 7, 7 × 21, 2 × 22 × 6 × 3 गुना करने पर हमें क्या मिलेगा, 22 × 44 × 6 × 3 इसे फिर से हम गुना करेंगे, 44 × 18 से हम फिर से यहां गुना करते हैं अलग से, 8 × 32 = 2, 3 फिर से 8 × 32 और 3 = 35, 1 × 4, 1 × 4 से हम जोड़ देंगे 2। अब यदि आपको 18 का पहाड़ा याद है तो आप सीधे सीधे आप करेंगे, ठीक है, मैं आपकी समझ के लिए से अलग अलग करके गुना कर रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को याद नहीं रहता है। 5 × 4 = 9, 4 × 3 = 7, उत्तर हमें क्या मिलेगा, 792 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप और भी सवालों को सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं।
बच्चों आशा आपको क्लास समझ में आई होगी। मैंने इन्हीं सूत्रों को लेकर आपके लिए कुछ गृह कार्य बनाया है। देखिए मिटा दो, बच्चों बेलन से संबंधित हमने तीन सूत्र पढ़े हैं, बेलन का आयतन पाई आर का वर्ग एच तथा बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर गुणित आर धन एच। इन्हीं सूत्रों को लेकर आपको इस गृह कार्य को करना है। गृह कार्य में देखिए सबसे पहले है आपका खाली स्थान भरना। आपको पहला देखिए बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है। दूसरा है आपका बेलन के आयतन का सूत्र खाली स्थान है। तीसरा है आपका बेलन के त्रिज्या व ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर त्रिज्या भी 7 है तथा ऊंचाई भी 7 है। आर बराबर भी 7 लिखना है आपको तथा ऊंचाई एच बराबर भी आपको 7 ही लिखना है, तो बेलन का आयतन खाली स्थान होगा। बच्चों सवाल नंबर दूसरा देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके माप निम्नानुसार हैं। पहला सवाल है त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर आर बराबर आपको लिखना है 7 सेंटीमीटर तथा एच बराबर आपको लिखना है 24 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल देखिए, व्यास बराबर 20 मीटर। व्यास यहाँ पर देखिए, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो आपको त्रिज्या कितनी लिखनी है, आर बराबर व्यास का आधा कर देंगे आप, अर्थात 20 का आधा क्या लिख देंगे, 10। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, आपको पता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, तथा ऊंचाई दी गई है 21 मीटर। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखिए, त्रिज्या दी गई है 10.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या में क्या रखना, आर बराबर आपको 10.5, ऊंचाई एच क्या रखनी है आपको 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रखकर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ दोनों निकालना है। चौथा सवाल देखिए, त्रिज्या आपको दी गई है आर बराबर 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 1 मीटर। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर है, तो इसको आपको या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है या चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, दोनों के क्या रखना आपको, सेंटीमीटर या मीटर रखना है, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपको क्लास समझ में आई होगी और आप अपना गृह कार्य करेंगे। धन्यवाद।